चौपाई जुलूस के दौरान किसी शरारती तत्व ने मस्जिद में रंग फेंक दिया। घटना के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर पथराव किया। मामला सदर कोतवाली इलाके में खग्गू सराय का है, जहां होली की चौपाई निकल रही थी। इसी बीच किसी शरारती तत्व ने मस्जिद में रंग फेंक दिया। चौपाई निकल जाने के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने रंग देखा तो पथराव किया। संवेदनशील इलाके में बवाल की सूचना पर आनंद फानन पुलिस और CIF पहुंची। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। मौके पर भारी तादाद में फोर्स अब भी तैनात है। SP चक्रेश मिश्र ने बताया कि दूसरे समुदाय के लोगों के सहयोग से रंग को हटा दिया गया है। SP ने मौके शांति व्यवस्था को दुरुस्त होने का दावा किया है। रिपोर्ट शिवा सक्सेना। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत खग्गूसराय नामक स्थान पर आज दोपहर होली के जुलूस के दौरान किसी अराजक तत्व के द्वारा एक मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना प्रकाश में आई। रंग फेंकने के पश्चात दूसरे समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पथराव की घटना भी सामने आई है। इसके बाद जुलूस सकुशल सम्पन्न हुआ। जुलूस के सम्पन्न होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मस्जिद पर लगे हुए रंग को स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा पुलिस के द्वारा साफ करा दिया गया है। किसी प्रकार की जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है तथा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद।